दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 70 में से 62 सीटें हासिल की। इस जीत से आम आदमी पार्टी का हौसला 7वें आसमान पर है। दिल्ली की जीत से गदगद आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में पार्टी को मजबूत बनाने की बात कर रही है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब दूसरे राज्यों में पार्टी को मजबूत बनाने की बात कही जा रही हो। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से बाहर पैर पसारने की कोशिश की, लेकिन पंजाब के अलावा कहीं भी पार्टी को सफलता नहीं मिली। मध्य प्रदेश में भी 2015 दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने अपना संगठन बनाया। पार्टी ने यहां विधानसभा चुनाव में जोर आजमाया, लेकिन पार्टी की यहां बुरी गत हुई। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के बाद तो पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई में जैसे भूचाल आ गया। हालात ये हो गए कि 21 जुलाई 2019 को पार्टी के ज्यादातर नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। दिल्ली के आप दफ्तर में जहां हमेशा रौनक बनी रहती है, तो वहीं आपके भोपाल दफ्तर पर लंबे समय से ताला लटका हुआ है। दिल्ली में मिली अभूतपूर्व जीत के बाद एक बार फिर से आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर दूसरे प्रदेशों में अपने पैर पसारने की ओर चल पड़ी है। आम आदमी पार्टी इससे पहले भी 2015 की भारी भरकम जीत के बाद अन्य प्रदेशों की ओर बढ़ी तो थी, लेकिन वहां पे उनका क्या हाल हुआ उसकी एक तस्वीर देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। हम इस वक्त खड़े हैं आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश दफ्तर में। बिल्कुल, मध्य प्रदेश दफ्तर ये राजधानी भोपाल के सुभाष फाटक इलाके के पास एक इमारत है जहां पर आम आदमी पार्टी का ये दफ्तर है। यहां पर अगर आप देखें तो ताला लगा हुआ है और ये ताला इस बात की गवाही दे रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी भले ही बीते 3 चुनावों से चमत्कार पर चमत्कार करती आ रही है, लेकिन दिल्ली के बाहर मध्य प्रदेश में कम से कम उसकी दाल नहीं गली है। ये तस्वीरें साफ इशारा कर रही है कि कैसे इस तरीके ये जो पार्टी है आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से 2015 के बाद से ही लगातार नीचे की ओर उसका ग्राफ जो है गिरता गया है। आपको बता दें कि ये जो पूरा दफ्तर है, कार्यालय है, पूरी तरीके से वीरान पड़ा हुआ है। इस पे ताला लगा हुआ है, पोस्टर जरूर यहाँ पे लगे हुए हैं आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश कार्यालय के, लेकिन इस पोस्टर के अलावा यहाँ पे और कोई दिखता नहीं है। आम आदमी पार्टी में बीते कुछ दिनों से बहुत ज्यादा विवाद मध्य प्रदेश में देखने को मिले थे। पूरी की पूरी इकाई को चुनाव के बाद भंग कर दिया गया था। आलोक अग्रवाल जो है उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, हालांकि उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली थी। उन्होंने आरोप जरूर लगाए थे कि भाजपा और कांग्रेस ने मिल करके चुनाव को प्रभावित किया है, लेकिन इन सब के इधर दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपना संगठन मजबूत किया है, उसकी कमी जो है वो मध्य प्रदेश में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और सिर्फ यही नहीं है, आम आदमी पार्टी का जो संगठन मध्य प्रदेश में है वो इस तरीके से कमजोर हो चुका है कि पार्टी के कई कार्यकर्ता अब आम आदमी पार्टी छोड़ के दूसरी राजनीतिक पार्टियों में भी जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के नेताओं में आपसी तालमेल कभी सही नहीं रहा। यही वजह है कि पार्टी के साथ शुरू से जुड़े चेहरों में से एक नेहा बग्गा ने आप छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली। नेहा बताती हैं कि पार्टी में जो सोच कर वो आई थी सच वैसा नहीं निकला। आम आदमी पार्टी छोड़ गई। मैंने आपको वही बताया कि जिस चीजों से युवा एक अट्रैक्ट होकर आया था, जिससे मैं अट्रैक्ट होकर आई थी, एक 29 पन्ने की लिस्ट लेकर जो अरविंद जी बैठते थे कि इस पे भी FIR होगी, उस पे भी होगी, ये भी भ्रष्टाचारी, वो भी भ्रष्टाचारी। अब ये आम आदमी पार्टी भी जो है ये प्रोफेशनली एक पॉलिटिकल पार्टी हो गई, ये आंदोलन की पार्टी नहीं रही है। युवा सोच कर आया था देश बदलेगा, युवा सोच कर आया था दिल्ली बदलेगी, युवा सोच कर आया था मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सब बदलेगा, पर यहाँ तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ही बदल गई। आम आदमी पार्टी के भीतर प्रदेश और दिल्ली के नेताओं में भी तलवार खींची रहती है। यही वजह है कि पिछले साल आम आदमी पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने कई कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से ही मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से निष्क्रिय है। दिल्ली में भले ही तीसरी बार सरकार बनाने जा रही आम आदमी पार्टी वहां प्रदर्शन से विपक्षी दलों को चारों खाने चित कर चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है उससे इतना तो साफ है कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए अभी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट।